हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीली लव रिया ब्लॉग। मैं रिया श्रुति। तो आज मैं लीली के दिखाऊंगी कि लीली हनी बी के साथ क्या की और क्या क्या हुआ हनी बी के साथ। हनी बी पहले से जिंदा था या फिर पहले से मर चुका है, तो बने रही मेरी इस वीडियो में। तो चलिए देखते लीली क्या कर रही है। कि लीली मुझे ऊपर से देख रही है कि मेरा वीडियो ना बनाए, बट मैं बनाई। तो ये रहा हनी बी, और मैं काफ़ी दूर बैठी हुई थी, अचानक भौंक रही थी, तो मुझे लगा कि कुछ है। तो देखी तो हनी बी था, तो सोची मैं वीडियो बना लूँ कि लीली हनी बी के साथ क्या कर रही है और ये कैसा व्यवहार करती है। तो बने रही मेरी वीडियो में। एक छोटा मक्खी नहीं छोड़ती, ऐसे भौंकती, लगता है बिल्ली मासी को देख लिए, बट ये हनी बी था। शांति नहीं हो रही है, बिल्कुल शांत नहीं होगी। छोड़ दो। अरे क्या करोगी? मर जाएगा। छोड़ दो, मर जाएगा। तो शायद ये पहले से मर चुका है। मैं बहुत दूर थी और ये मरा हुआ ही था, तभी ये सिकुड़न पहले से है इसमें, या फिर थोड़ा बहुत जिंदा होगा तो आवाज़ सुन के ही मर गया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बट आत्मा को शांति दे इस हनी बी को, मुझे बहुत अफसोस है। और आइए मिलाती हूँ एक नन्हे से प्यारे से डॉग से, और ये हमारे घर के पास का डॉगी का बच्चा है, और मैं इसे खाना देती हूँ। मेरे परिवार वाले हमसे लड़ते हैं और बहुत बड़ा बुरा भला कहते हैं, जो कि मैं उनके खिलाफ हूँ, तो मुझे गलत ठहराते हैं, और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जीवन है तो सेवा करना ही है, और मुझे खुशी है कि मैं उनकी सेवा करती हूँ। कम से कम छल कपट से दूर तो रहती हूँ, उतना तो हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है, और इनके लिए समय काफ़ी मुश्किल से निकालती हूँ। और जो भी हमारी वीडियो आपको थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।